ओके, थ्री डी वर्ड आर्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद हमें ये वर्ड आर्ट का फीचर मिलेगा। कोई भी इसमें से स्टाइल ले लें और उसको शुरू करें। मतलब हमने ये स्टाइल ले लिया फॉर एग्जांपल, अब इसमें किस तरह का 3D टेक्स्ट बनाना है। सपोज हमने कहा कि ग्लास ऑन टेबल, ठीक है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है, ग्लास ऑन टेबल को सिलेक्ट किया हमने। इसको सिलेक्ट करके पहले फॉन्ट आपने थोड़ा सा थिक ले लेना है, थिक फॉन्ट। जैसे ये इराइस बोल्ड है, एरियल ब्लैक है, या बर्लिन है, उनसे कोई भी एक फॉन्ट आप ले लें, या ऐसा कोई थिक फॉन्ट ले लें जो थोड़ा सा थिक हो। तो यहाँ से हमने क्लिक करके वो फॉन्ट ले लिया, और ये फॉन्ट लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि हम गए शेप फॉर्मेट पे, और यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये कब एक्टिवेट होगा, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखें आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट साइज का। यहाँ क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा 3D। तो आप किस तरह से इसको शो करना चाहते हैं 3D को, तो यहाँ से आप कोई भी एक 3D स्टाइल जो है ना ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला 3D स्टाइल ले लिया। अब जो ये वाला 3D स्टाइल लिया है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें उस स्टाइल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक स्टाइल है, लेकिन ये 3D का बनेगा। 3D में होता है कि आपको उसकी डेप्थ बढ़ानी होगी। डेप्थ बढ़ाने के लिए आप दोबारा इधर जाएंगे, और यहाँ से 3D रोटेशंस में जाएंगे आप, मोर 3D रोटेशंस के अंदर। और यहाँ जाने के बाद 3D रोटेशंस में ही आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे, तो इनलार्ज करने के बाद यहाँ पर आपको 3D रोटेशन के ऊपर 3D फॉर्मेट नजर आएगा। 3D फॉर्मेट में जाके ऑप्शन नजर आएगा डेप्थ का। इस डेप्थ के साइज को आपने यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, तो ये देखें 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डेप्थ का जो कलर है वो कैसा रखना है, और ब्लैक है तो इसके साथ थोड़ा ग्रे कर दें, लाइट ग्रे कर दें, डार्क ग्रे कर दें, तो ये देखें टेक्स्ट जो है आपका 3D में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर आपने और मजीद कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ क्लिक करके इसका फॉन्ट कलर जो है किस तरह का रखना चाह रहे हैं, लाइट ग्रे के साथ डार्क ग्रे रखना चाह रहे हैं, तो ये आपको इस तरह से 3D होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मोटर बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके अगर कोई और हमें 3D टेक्स्ट अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से दोबारा से लेंगे वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एक वर्ड आर्ट का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें हम लिख रहे हैं सपोज कभी 3D टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे लिखा 3D और ये टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट लिखने के बाद सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ से एक बोल्ड इसी लिया, यहाँ से फॉन्ट साइज को हमने इनलार्ज किया, और इनलार्ज करने के बाद ये फॉन्ट ऐसा नजर आ रहा है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, 3D रोटेट में जाएंगे, कोई भी एक 3D रोटेशन का ऑप्शन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेट सपोज अभी हमने ये वाला किया था, अब हम इसके अंदर ये वाला करके देखते हैं। फिर क्लिक करेंगे यहाँ से जाकर हम इसको 3D रोटेशन के मोर ऑप्शन पर जाएंगे। मोर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से हम इसका जो है 3D रोटेशन जो है इसको ऑफ करेंगे, 3D फॉर्मेट लेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसका डेप्थ जो है वो इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को जो है क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें इसके ये बनते हैं कंटोर्स। कंटोर्स जो इसकी आउटलाइन तो इसको कह रहे हैं, और तो क्लिक करके हमने यहाँ से कोई भी कलर इफेक्ट पर, ये गलत जगह चला गया था, सेफ्टी में नहीं जाना, या फिर इसके अंदर जो भी कलर आपने इफेक्ट डालना है वो यहाँ से इसका अप्लाई करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें पहले आप, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होंगे तो वो सही तरह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये टेक्स्ट के ऊपर हमने वो कलर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका 3D टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मजीद 3D करना है किसी भी चीज को, या उसकी मजीद चेंजेस वगैरह उसमें करनी है, रोटेशंस डालनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 3D फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है विड्थ और हाइट और डेप्थ और कंटोर। अच्छा, कंटोर मटेरियल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिफरेंट मटेरियल से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल देख ले हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से तरह का नजर आएगा। कंटूर कितनी थिक करनी है वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। कंटूर से कलर को चेंज करना है तो कंटूर का कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है, इस तरह से कंटूर से कलर को चेंज किया जा सकता है। और डेप्थ जो है वो कैसी रखनी है, कहाँ पे रखनी है, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। डेप्थ का कलर यहाँ से चेंज करेंगे,
डेप्थ कलर कैसा रखना है वो यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से डेप्थ रखना चाहेंगे उस तरह के कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह के डेप्थ में अगर इस तरह का कलर भी देना चाहें तो ये भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। डेप्थ कितनी कम करनी है कितनी ज़्यादा करनी है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर ये है लाइटिंग इफेक्ट को भी आप देख लें कि लाइट कहाँ से पड़े, जैसे किस साइड से लाइट पड़ रही है, आप इस साइड से लाइट डालना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो देखें इस साइड से लाइट आएगी, उस तरह से करना चाह रहे हैं या फिर इस तरह का इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल तो यही वाला इफेक्ट इसके ऊपर जो पहले अप्लाई था वही ज़्यादा बेहतर था, और उसके एंगल पोजिशन को भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। रीसेट करके देखते हैं तो ये दोबारा से नॉर्मल टेक्स्ट पर कन्वर्ट हो गया है, और फिर से अगर आप इसकी डेप्थ को सेट करना चाहें तो यहाँ से इसकी डेप्थ को सेट कर सकते हैं, इसको फ्लैट करना पड़ेगा तो यहाँ से इसकी डेप्थ को सेट कर सकते हैं। बंद करके दोबारा से खोलता हूँ इसको, थ्री डी टैक्स हमने सेलेक्ट किया इसको फॉर्मेट, और यहाँ से जाकर पहले हम इस पर थ्री डी रोटेशन का स्टाइल लेंगे। अब जैसे कि अगर इस स्टाइल में हमें थ्री डी बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जाके अब इन ऑप्शंस को चूज करेंगे। जब तक कोई इसमें से आप स्टाइल नहीं लेंगे ना वो थ्री डी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से आपने लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसके डेप्थ में जाना है, थ्री डी फॉर्मेट की डेप्थ को यहाँ से एक्सपेंड करना है जितना आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, फिर डेप्थ का कलर है कंटूर का कलर है वो इस पर अप्लाई करना है, फिर कंटूर की थिकनेस है। इसके बाद आ रहा था नीचे अगला ऑप्शन था थ्री डी रोटेशन के, मजीद ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पे थ्री डी रोटेशन का। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखें कि एक्स रोटेशन है वाई रोटेशन है, इनको कैसे करना, और थ्री सेट्स है, थ्री सेट्स में वही बने बनाए स्टाइल्स हैं जिसमें से आपको इस स्टाइल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इस स्टाइल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इस स्टाइल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इस स्टाइल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये बने बनाए स्टाइल है, मतलब जिस स्टाइल में आप चाहें इसको कन्वर्ट करके ईजीली देख सकते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जैसे बना हुआ स्टाइल है उसके अंदर इसको अच्छे अप्लाई करके देखा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर जो ये है जो हमारे लिए समझने का ऑप्शन है वो इसका एक्स रोटेशन, एक्स रोटेशन और वाई रोटेशन और जेड रोटेशन क्या है। देखिए जैसे जैसे आप एक्स रोटेशन पे क्लिक करके अप एरो की मदद से इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से घूमता हुआ चला जाएगा, और अगर इसको कम करेंगे तो ये इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है। वाई रोटेशन की बात करें और इसे क्लिक करके जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह सीधा हो जाएगा, और डाउन एरो दबाएंगे तो इस तरह और उल्टा होके पीछे से उल्टा नजर आने लग जाएगा, और घुमाएंगे तो फिर ऐसे घूम के सीधा हो जाएगा। तो वट एवर जिस पोजीशन पे आप रखना चाह रहे हैं एक्स वाई पोजीशन कितनी साइड रखनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। जेड रोटेशन की अगर बात करें तो वो कुछ उसको इस तरह से घुमाएगा, यानी कि इस तरह से, यानी कि एक्स में ये ऐसे घूम रहा था, वाई में ये ऐसे घूम रहा था, और जेड में ये ना पूरा इस तरह से, इस तरह से स्पिन करेगा इसको। तो किस एंगल पे रखना चाह रहे हैं उस एंगल पे आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रोटेशन का मामला बेहतर कर सकते हैं। अब पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ डिग्रीज हैं जिसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये दूर से कैसा नज़र आए और करीब से कैसा नज़र आए, मतलब थोड़ा निकलता हुआ बाहर नज़र आए या थोड़ा अंदर की तरफ नज़र आए, तो ये पर्सपेक्टिव से आप सेट कर सकते हैं कि जिस तरह का पर्सपेक्टिव आप रखना चाहें इसका, उस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। कैप टेक्स कीप टेक्स फ्लैट पे क्लिक कर देंगे तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं वैसे नज़र आएगा, चैट हटा देंगे तो जैसे आपको थ्री डी टेक्स्ट में फर्क नज़र आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, यानी ग्राउंड मेरा इस पोर्शन को इसका डिस्टेंस इसके ग्राउंड से कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जाहिर इसलिए भी नहीं होगा कि इसका जो ग्राउंड है बेसिकली इसका कोई शेड वगैरह तो अप्लाइड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा जाहिर इस पर नहीं हो पाएगा, और मैं जैसे रीसेट करूँगा तो जैसे ये पहले था वैसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ तो जैसा नज़र आ रहा है वैसे नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करके ड्रॉप शेडो पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करके हमें बहुत सारे शेडोज मिलने वाले हैं, इन शेडो के स्टाइल से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर। तो जैसे हम ये वाला शेड लगाना चाह रहे हैं, 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 ये शेड लगाना चाह रहे हैं, या अगर हम यही वाला शेड चाह रहे हैं तो इसको मजीद बेहतर तरीके से कैसे लगा सकते हैं। मोर शेडोज में चले जाएंगे यहाँ से क्लिक करके, और शेडो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, इसके साइज को भी कम ज़्यादा हम यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप इसके जो साइज़ है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम भी कर सकते हैं, इस तरह से आप ये चीज़ें इजीली कर पाएंगे। ब्लर रेट जो जो शेड पड़ रहा है वो कितना धुंधला आपको नज़र आए, कितना क्लियर नज़र आए, उसका ब्लर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं किसी भी शेडिंग के थ्री डी के हवाले से, और जो टेक्स्ट है उसका एंगल कितने डिग्री पे वो नज़र आए, किस साइड पे शेड नज़र आए, मतलब लाइट यहाँ से पड़ रही है
या फिर शेड उस साइड पर नजर आए कि लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो वो एंगल भी आप यहाँ से अपना इजीली सेट कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं, वैसा एंगल यहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है। इसके बाद एंगल के बाद डिस्टेंस है कि ये टेक्स्ट से कितने डिस्टेंस पर नजर आए, और टेक्स्ट और इसका डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो, अगर ज्यादा हो तो कितने डिस्टेंस पर ऐसे नजर आए या फिर इसको थोड़ा बहुत डिस्टेंस पर नजर आए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये सेट कर सकते हैं। तो यानी कि वर्ड आर्ट में नॉर्मल टेक्स्ट के साथ आप इस तरह के 3D टेक्स्ट भी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपको फिर कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। सही।